भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर परिवास के दौरान पत्रकारों से वार्ता में कहा कि प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनेगी और इसके लिए 265 सीटों पर जीत हासिल करने का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष के कंधे पर है। जीत के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह फैसला करना प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगी। सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस शासन में केवल गुंडे, माफिया, अपराधी भयमुक्त हैं और आमजन भय के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सरकार के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने भी यह बात कही है। पुलिस अपराधी से डर रही और अपराधी पुलिस से नहीं डर रहा है। इस सब के लिए समाजवादी पार्टी में चाहे उनके चाचा हों या उनके चच्चा हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इन सबको मैं दोषी मानता हूं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा मिले हुए हैं, अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार आएगी तो उसको सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मथुरा और कैराना की जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं, भाजपा ने उन सबकी सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच ना कराकर ऐसे आयोग की नियुक्ति किया है जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश में इस समय भय का वातावरण है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस शासन में केवल गुंडे, माफिया, अपराधी या भय मुक्त है, बाकी सब भय में जीवन जीने के लिए मजबूर है। और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के पिताजी श्री मुलायम सिंह जी ने भी यह बात कही है, लेकिन पुत्र मोह के कारण अखिलेश यादव जैसे विफल, जिनके शासन में अपराध बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, माफियाओं जो समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गाड़ी में लगा करके सफाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, इस लक्ष्य के साथ किसी की दुकान, किसी के मकान, किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक की संख्या में पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, उसके अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर, उसके सिपाही मारे जा चुके हैं और 1500 से अधिक की संख्या में पुलिस के जवानों की पिटाई भी उत्तर प्रदेश में हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और पुलिस जो है अपराधी से डर रही है, अपराधी पुलिस से नहीं डर रहा है। इसका कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सरकार को और इस सरकार में बैठे हुए, चाहे इस सरकार के चाचा हों, चाहे इनके चच्चा हों और चाहे भतीजे मुख्यमंत्री हों, इन सबको मैं दोषी मानता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और मुख्यमंत्री जो होगा वो उत्तर प्रदेश का होगा। ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में और उसकी टीम के हाथ में ये फैसला है कि वह 2017 में 2014 दोहरा करके 265 से अधिक की संख्या में विधायकों को जिताए। 2014 जब लोकसभा के चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश के 337 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी नंबर एक पर थी और हम 80 में से 73 लोकसभा सीटों पे कमल खिलाने में कामयाब हुए थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाताओं के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर कमल खिलाएगी, सरकार बनाएगी और सपा शासन में या बसपा शासन में ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों अपराधियों को संरक्षण देते हैं और जितनी भी गड़बड़ियां हैं भाजपा की सरकार आएगी, हम उनको जांचेंगे और जो भी दोषी होगा
भाजपा सरकार आने पर उसको सजा जरूर मिलेगी। अखिलेश यादव जी, या कहूँ मैं सपा की तरह, जब बसपा के खिलाफ सरकार में आना हो, जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मायावती जी को जेल भेजेंगे। बसपा की सरकार आती है वो कहती है चल गुंडे की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, लेकिन जब सरकार में आ जाती है तो गुंडे हाथी पर चढ़ करके निर्दोषों को गोली मारने का काम और बड़े बड़े भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के तमाम दोषियों को जब जेल भेज दिया जाता है तो जेल में भी वह सुरक्षित नहीं रह सके। इस प्रकार के कारनामे जिस सरकार में हुए, उस बसपा ने भी जनता से किया गया वादा नहीं निभाया और पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोने का, गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। इसलिए सपा और बसपा के चरित्र में कोई अंतर नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भाजपा के वादे पर जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य से सवाल किया गया तो वह इस पर मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर बचते नजर आए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या 2017 के चुनाव के पहले राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाएगा तो वह इसका गोलमोल जवाब देने लगे। जब उनसे पूछा गया कि जब मामला कोर्ट में है तो बार बार भाजपा के बड़े नेता राम मंदिर निर्माण का जनता से वादा क्यों करते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम रामलला की भूमि पर मंदिर का निर्माण हम भी जल्दी चाहते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप पत्रकार मित्र है मेरे, अगर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मुकदमा है तो क्या उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, केंद्र में जिसकी सरकार है या उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार आने वाली है, वह ऐसा करेगी? हम रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं, जल्द हो या भी चाहते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अथवा समझौते हो जाए, मंदिर बनना चाहिए, इसके पक्ष में भाजपा। आप अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर खोजे ना। न्यायालय के समक्ष अगर मामला विचाराधीन है तो अगर मैं कह दूं कि हाँ बनना है तो क्या यह न्यायालय को उल्लंघन करने वाली भाजपा है क्या? बीजेपी के नेता किस आधार पर ये दावे करते हैं? योगी जी करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया, कई लोग ये दावे करते हैं 2024। हाँ तो प्रतीक्षा करिए आप, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, मैं भी राम भक्त हूँ, मैं तो चाहता हूँ कल से बनना शुरू हो जाए, आज फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आ जाए, लेकिन फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्द फैसला हो इसके लिए प्रयास हो रहा है। योगी और मोदी की मुलाकात पर केशव मौर्य ने कहा कि देखिए मोदी जी हमारे बहुत शीर्ष नेताओं में से एक हैं और विश्व के शक्तिशाली नेता हैं। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही बड़े लीडर हैं और उनके प्रयास से और बाकी सांसदों के प्रयास से उत्तर प्रदेश में विकास का द्वार खुलेगा। सरकार अड़चन डालने का काम करती है, लेकिन इसके बावजूद 22 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल के विकास के द्वार का बंद ताला खोलने का काम होगा। और यहाँ पर फर्टिलाइजर जो कारखाना है उसका शिलान्यास, और पूर्वांचल में जिसकी सबसे पहले जरूरत थी, बड़ी आवश्यकता थी, एम्स, उसका शिलान्यास, या दोनों कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को संपन्न किए जाएंगे।